हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है अपने चैनल पे। एक्सरसाइज 3D आर्यस अग्रवाल की बुक से सॉल्यूशन चल रहा है। 21 से 26 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और तुम देख ही पा रहे हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और मे भी तुम्हारे एग्जाम में आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, 4 या 3 नंबर में आता है, तो समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए। दूसरी बात की लीनियर इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन अपने पास में बन चुका है एनसीईआरटी आर्यस अग्रवाल के बुक से। जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे। फिलहाल अभी देखना है 21 से 26 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन का पढ़ लिया जाए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिया हुआ है, इक्वेशन पेयर में दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया, कुछ के कोफिशिएंट को और कहीं पे कांस्टेंट को हटा के ए और बी में कोई टर्म दे दिया गया और तुमसे ये कह रहा है कि भाई इनका जो सॉल्यूशन होगा ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये ए और बी का क्या सब वैल्यू पॉसिबल है ये निकालना है। तो हम जो कंडीशन जो हमने पढ़ा है ना, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी इक्वेशन ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ भी इक्वेशन बनेगा और यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था। थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, आपको कंडीशन याद रखना होगा कि ये इक्वेशन हमारे पास में है। इस इक्वेशन को क्या किया जाए, पहले तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तुम लिख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3y, 2 को इधर ले जाया जाएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 6x प्लस 1 माइनस 2b इंटू वाई, 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से तुम क्या करो, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख लो। a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कितना है a माइनस 1। b1 कितना होता है, कॉफिशियंट ऑफ y, कितना है 3। और c1 कितना होता है, कॉन्स्टेंट, कितना है माइनस 2। ऐसे ही a2 कॉफिशियंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, b2 कॉफिशियंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन 1 माइनस 2b, c2 कॉन्स्टेंट इन द सेकेंड इक्वेशन माइनस 6। अब तुम क्या कहोगे कि फॉर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं सॉल्व करूंगा, मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओगे तुम भी सॉल्यूशन में और कुछ काम तुम कर लो, कुछ काम मैं कर लूंगा, पूरा का पूरा हम लोग सीख जाएंगे एक साथ। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन हमारे पास में, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 by b2 equal to c1 by c2, यही तो कंडीशन हमारे पास में। आप इसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो, a1 मतलब ये और a2 मतलब ये, तो a-1/6, b1 मतलब 3 एंड b2 मतलब 1-2b, c1 मतलब -2-6। कैंसिल कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात को समझो, यहाँ पे मैंने जो पहले वाले मतलब जो 15 से 20 तक सॉल्यूशन जो थे वहाँ मैंने बताया था कि तुम किसी को किसी के इक्वेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखना, ये लिखा, फ्रेश करके लिख लेते हैं एक बार, 1/3। अब तुम किसी को किसी के इक्वेट करोगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा काम, अगर तुम इसको इसके बराबर कर लेते हो यहां पे तुम फंस जाओगे, फिर तो सॉल्व तो होगा ही लेकिन फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज गौर से देखो, पहले वाले रेशियो में ए दिया हुआ है, सेकंड रेशियो में बी दिया हुआ है, थर्ड रेशियो में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये बिल्कुल साफ सुथरा है। तो हम इसको इसके इक्वेट कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में इसको इसके इक्वेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, नाउ a-1/6 इक्वल टू 1/3 हो सकता है, तीनों आपस में बराबर है तो मैंने इसको उसके बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कैंसिल कर लो 2 बार में
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस वन इक्वल टू टू हो जाएगा, वन जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तुम्हारा देखो ये आंसर तो आ गया। ऑल्सो तुम अब इसको इसके बराबर कर लो, कहने का मतलब थ्री बाई वन माइनस टू बी इक्वल टू वन बाई थ्री, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो थ्री और थ्री कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस टू बी ही रहेगा, टू बी को तुम इधर ले आओ तो प्लस टू बी हो जाएगा, और वन नाइन जाएगा इधर तो माइनस नाइन हो जाएगा, कहने का मतलब माइनस एट हो जाएगा, टू से कैंसिल कर लेना, बी इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे, मैं कहीं कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कभी माइनस प्लस छूट गया तो आंसर डिफरेंट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम देख सकते हो, मे बी कहीं माइनस छूट गया हो प्लस छूट गया हो तो चेक कर लेना, वैसे आंसर सही है, ये सही होना चाहिए। थ्री थ्री नाइन टू बी टू बी, ठीक ठीक आ गया आंसर। तो अगर तुम इसके इसको बराबर करोगे तो फिर ए और बी दोनों में इक्वेशन आ जाएगा, फिर फालतू में तुम फंस जाओगे, तो ऐसे ही करना, सारे इक्वेशन में ऐसा ही कुछ होगा। देखो अभी आगे वाले इक्वेशन में देखो, ये हमारा इक्वेशन है, इसको सही तरीके से कर लिया जाए तो क्या किया जाए भाई, ऐसे माइनस इधर कर लेते हैं, इधर जीरो कर देते हैं, ये टू जाएगा इधर तो माइनस टू हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, और क्या करना है, ए वन बी वन सी वन तुमको पता है क्या होगा, ये तुमको पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। ये हो गया ए वन, ये हो गया ए टू, ये हो गया B1, ये हो गया B2, और ये हो गया C1, ये हो गया, ये तुमको लिख लेना है, मैंने मार्क कर दिया, तुमको लिख लेना है। अब इनफाइनाइट नंबर के लिए क्या होता है, A1 by, मैंने क्या कहा था कि लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, लैंग्वेज पहले वाले इक्वेशन में लिख दिया है, तुम देख लेना समझ लेना। अब A1 कितना है, 2A minus 1 by 3, B1 कितना है 3, और B2 कितना है B माइनस वन, C1 कितना है माइनस फाइव है, और C2 कितना है माइनस टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको फिर से वही काम करना है, क्या काम करना है, इसको इसके बराबर करोगे, नाउ 2A माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू फाइव बाई टू, कैलकुलेट करने आता है ना, कैलकुलेट कर लोगे, काफ़ी आसान हो जाएगा, पंद्रह और दो सत्रह चार, फोर ए पंद्रह और दो सत्रह सेवनटीन, यहाँ से ए इक्वल टू सेवनटीन बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लेना सही तरीके से, एक बार देख लेता हूँ मैं, सब कुछ तो सही है, ठीक है, पंद्रह चार दो सत्रह सत्रह बढ़ जाए, यही होगा, एंड थ्री बाई बी माइनस वन फाइव बाई टू, तुम उसके इक्वेट करना जिसमें कोई ए बी नहीं हो, बात समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ फाइव बाई टू था तो एक बार इसको किया और एक बार इसको किया, इसी पे इक्वेट कर लिया, यहाँ पे फाइव बी इक्वल टू सिक्स और प्लस फाइव, ठीक है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू अलेवन बाई फाइव हो जाएगा, ये आंसर होगा, देख लेना कहीं मिस्टेक हो गया हो, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, मेरे पास बुक है 22, एक मिनट भाई रुक जाना, ठीक है, देख लेना बेटर है, ये 22, यार क्या बात है, 110, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ मिस्टेक है, नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो है, यार ये क्वेश्चन ना तुम्हारे बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 और 15 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, कोई नहीं चेक कर लेना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, मैं देख लेता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना, यहाँ पे जो 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 के जगह 15 दिया हुआ है, तो ये मेरा जो बुक, ये जो मैंने बनाया था ना पीडीएफ, ये पुराने वाले पीडीएफ से बनाया था, मेरे पास नया वाला पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन में ही फर्क है, आंसर में आंसर सही है। चलो 23rd नंबर क्वेश्चन, ये सही है, ये क्वेश्चन सही है जो रिसेंट वाले बुक में है, 22 वाले एडिशन में, वही ये वाला है, मेरे पास में जो पीडीएफ था ना ये लगभग 2016-17 का पीडीएफ था, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन डिफरेंट था, कोई बात नहीं,
होता है ऐसा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले, मतलब माइनस लगा दो इधर, इधर जीरो कर लो, यहाँ लगा दो माइनस, ब्रैकेट में कर लो, इधर जीरो कर लो। ये समझ में आ रही है ना बात कैसा किया? सो भाई सेवन को इधर ले जाओगे तो माइनस सेवन होगा, राइट साइड में जीरो बचेगा। इसको ले जाएंगे इधर तो माइनस में आएगा, इधर जीरो बचेगा। बस अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो करो, देखो ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू। ए वन मतलब टू, ए टू मतलब ए प्लस बी, बी वन मतलब माइनस थ्री, देख रहे हो माइनस थ्री, और यहाँ पे ये माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस थ्री, और सी वन माइनस सेवन, और माइनस ऑफ फोर ए प्लस बी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तीनों में अभी ए भी दिया हुआ है, तीनों में ही दिया हुआ है, तो दिक्कत तो नहीं है कुछ भी, है तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो इक्वेशन बना लो ए बी में, सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये माइनस को तुम कैंसिल कर लो, यहाँ पे माइनस को कैंसिल कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो नाउ इस दोनों को इक्वेट किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 3a प्लस 3b, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 2b माइनस 6। ये घटेगा इसमें से तो a बचेगा, ये घटेगा इसमें से तो b बचेगा, और यहाँ बचा माइनस 6c। इसको इक्वेशन तुम फर्स्ट कह दो, ठीक है। ऑल्सो इसको इसके इक्वेट कर लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 टू जा 8a प्लस 2b, 8a प्लस 2b 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7a 7b, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो अब 7a घटेगा इसमें से तो सिर्फ a बचेगा, और 7b घटेगा 2 में से तो माइनस 5b बचेगा इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब तुम फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने आता होगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लो। यहाँ पे b है और यहाँ पे माइनस 5b है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और सेकेंड में जोड़ दिया जाए। ये तो तुमको आता होगा इक्वेशन सॉल्व करना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5a प्लस 5b माइनस 30। और सेकेंड इक्वेशन में कुछ नहीं करना है तो a माइनस 5b इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, 6a इक्वल टू माइनस 30, a से कैंसिल कर लो माइनस 5, तो a कितना हो गया, माइनस 5 हो गया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ही, चलो वन में ही देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन ए मतलब माइनस 5 प्लस बी माइनस 6, यहाँ पे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1। अब 23 मैं आंसर देख ही लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ना आगे पीछे रहता है। माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, एक्चुअली कुछ जो क्वेश्चन है ना मैंने बताया था पुराना वाला पीडीएफ है, पता नहीं क्या हो ये क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है। तो अब ये देखने में इतना लग रहा है वास्ट कि ये तो बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो काम यहाँ करना था वही काम यहाँ भी करना है। पहले इक्वेशन को तुम सही से एक बार लिख लो, ठीक है, आसान है, आसान है, एकदम आसान है। देखो पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन दिस प्लस a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू वाई, और ये थर्ड में जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है, तो इस पूरे को तुम इधर लेके आओगे, तो माइनस लगाओ, ये वाला ब्रैकेट लगाओ और इस पूरे को लिख दो,
बात समझ में आई क्या? ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट ही था, तो इस पूरे के पीछे माइनस लगाना है, तो ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिया। बात क्लियर है अब तो? ठीक है, आपको चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, ये होना चाहिए। ए वन मतलब टू, ए टू मतलब ए प्लस बी प्लस वन, बी वन मतलब थ्री, और बी टू मतलब ए प्लस टू बी प्लस टू, सी वन मतलब माइनस सेवन, और सी टू मतलब ये पूरा माइनस ऑफ फोर इंटू ए प्लस बी प्लस वन। बात समझ में आ रही है? ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब तुम इक्वेट कर लो, इस दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम या हेयर, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू थ्री बाई ए प्लस टू बी प्लस टू, ए प्लस टू बी प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, थ्री से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री, और टू से मल्टीप्लाई करो तो टू ए प्लस फोर बी प्लस फोर। अब यहाँ से एक बार समझाओ, टू ए घटेगा थ्री ए में से तो बचेगा ए, फोर बी घटेगा थ्री बी में से तो बचेगा माइनस बी, और यहाँ पे फोर है, ये वाला थ्री घटेगा तो कितना बचेगा? वन बचेगा। तो ये इक्वेशन वन बन गया। एक्सप्रेशन बड़ा सा है लेकिन इक्वेशन तुम्हारा काफ़ी शॉर्ट बन रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन। ये पहला इक्वेशन तैयार है तुम्हारा? ठीक है, सेकंड में क्या करोगे ऑल्सो? अब तुम किसको किसके बराबर करोगे? आसान कौन सा लग रहा है? आसान कौन सा लग रहा है? कर लो जो भी है, इसी को इक्वेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसी को थ्री बाई ए प्लस टू बी प्लस टू इक्वल टू सेवन बाई, मल्टीप्लाई कर ही लिया जाए फोर से तो मल्टीप्लाई कर ही लो उसको, तो फोर ए यहां से प्लस फोर बी प्लस वन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, थ्री से मल्टीप्लाई कर लो ट्वेल्व ए, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करो ट्वेल्व बी प्लस थ्री, सेवन से मल्टीप्लाई करो सेवन ए फोर्टीन बी फोर्टीन। ठीक, सेवन घटेगा ट्वेल्व ए में से कितना बचेगा? फाइव ए बचेगा, फिर 14b घटेगा 12 में से तो कितना बचेगा? माइनस ट्वेल्व टू बी, और इधर 14 है 3 घटेगा तो बचेगा 11। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन आई थिंक सही कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12 12 3 7 14। ठीक, अब क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2b है माइनस 2b, और यहाँ पे क्या है? b है, तुम इसको दो से मल्टीप्लाई कर लो फ्रॉम इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो टू से मल्टीप्लाई करो टू ए माइनस टू बी इक्वल टू टू, और यहाँ पे देखो फाइव ए माइनस टू बी इक्वल टू इलेवन। सब्ट्रैक्ट करना है तो टू में से थ्री, फाइव ए घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस थ्री ए, और यहाँ बचेगा माइनस नाइन, कट जाएगा तीन बार में, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? थ्री हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ए तो ठीक है, माइनस बी के जगह पे सॉरी ए कितना आया है? ए थ्री आया है, माइनस बी इक्वल टू वन। यहाँ पे देख रहे हो ए कितना? थ्री, माइनस बी इक्वल टू वन, थ्री माइनस वन इक्वल टू बी, बी इक्वल टू टू। तो देखो ए थ्री और बी टू हमारा सॉल्यूशन है 24 नंबर का। ठीक है, समझ में आ रही बात? 25 नंबर, ये सारे क्वेश्चन चार नंबर के क्वेश्चन है, एग्जाम में जो आते हैं ये क्वेश्चन चार नंबर में आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना कि चार नंबर का क्वेश्चन है, मजाक वाली बात नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, सेवन जाएगा तो माइनस सेवन हो जाएगा और इधर बचेगा जीरो, ये आएगा तो माइनस ट्वेंटी वन हो जाएगा, इधर बचेगा जीरो।
इनफाइनाइट नंबर यहाँ भी चाहिए, ये तो काफ़ी आसान लग रहा है। ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन होगा। ए वन मतलब टू, ए टू मतलब ए प्लस बी, बी वन मतलब थ्री और यहाँ पे टू ए माइनस बी, सी वन माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी वन, कैंसिल किया जाए कुछ तो कैंसिल कर लो, ठीक ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में जो डाटा है ए टू बाई ए प्लस बी, थ्री बाई टू ए माइनस बी और वन बाई थ्री। अब क्या करना है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने बताया था वही काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। फ्रॉम नाउ मल्टीप्लाई करेंगे करना, ए प्लस बी थ्री टू जै सिक्स क्वेश्चन वन, ठीक है। और ये ऑल्सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा टू ए माइनस बी इक्वल टू नाइन सेकेंड। अब सिंपली दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस टू, टेन नहीं है टू है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स और टू ए माइनस बी इक्वल टू नाइन, ये बी कैंसिल हो जाएगा, थ्री ए इक्वल टू फिफ्टीन, ए इक्वल टू फाइव। फ्रॉम इक्वेशन वन ए के जगह पे फाइव प्लस बी इक्वल टू सिक्स, b इक्वल टू वन, तो 25 में a 5 और b 1, ये सॉल्यूशन है, ठीक। 25 तक को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग भैया, अब देखो आगे क्या है, आ जाओ यार। 26 लास्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तो हमारे पास में है ना बुक में, 7 28, ठीक है। देखो इसको देखो क्या करना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इधर जीरो, यहाँ भी माइनस कर लो इधर जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू, ए वन टू और ए टू टू ए, ये ए वन हुआ और ये एक्स का कॉफिशियंट, मतलब एक्स को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब कॉफिशियंट है, ये बात समझो ना। बी वन थ्री और बी टू सी वन माइनस सेवन, माइनस ट्वेंटी एट, कैंसिल करेंगे, 7 चौके 28, 1/4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हारे पास में 1/a 3/a प्लस बी और 1/4 है, ठीक है। अब तुम क्या करने वाले हो, इक्वेट करने वाले हो, नाउ 1/a इक्वल टू 1/4, 1/a इक्वल टू 1/4, इसको इक्वेट कर लिया ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आ जाएगा a इक्वल टू 4, ऑल्सो 3/3 यहां पे कलम भी जो है ना यार, ऑल्सो 3/a प्लस बी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a प्लस बी इक्वल टू 12। अब a कितना है, a 4 आया हुआ है तो यहाँ पे 4 पुट कर लो, 12 b इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 8, ये है 26 नंबर का आंसर आ चुका है। 26 के बाद जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस बुक में वो नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 31 तक, यहाँ भी क्वेश्चन है और यहाँ भी क्वेश्चन है, ये लास्ट के 5 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि क्लास 10 में एनसीईआरटी एंड आर एस अग्रवाल का पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, विद कंसेप्ट
आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुम देख रहे हो तो तुम डिस्क्रिप्शन में चेक करो, डिस्क्रिप्शन में पूरे जितने भी वीडियोस हैं जो लीनियर इक्वेशन के लिए बने हुए हैं उन पूरे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लीनियर इक्वेशन वाले के, ठीक है। ऐसे ही सारे चैप्टर का सॉल्यूशन बनाया जा चुका है, सारे चैप्टर में से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करो तो पूरे के पूरे चैप्टर के जो भी कंसेप्ट हैं चाहे वो एनसीईआरटी के आरएसवाल के जो भी सॉल्यूशंस हैं एक साथ मिल जाएंगे। तो क्लास 10 के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने को कुछ नहीं है जितना मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई भटक रहा है तो फिर भटकने दो, भटकने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते, सही रास्ते से चलना पड़ेगा। तो एकदम सही तरीके से जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, जितने से तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चल जाए वो सब काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सारे के सारे कंसेप्ट दे रहा हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वो भी समझा समझा के। तो दैट इज़ इनफ। कोई कोर्स परचेज करता है वो अलग बात है, उससे ज़्यादा कंटेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। चलो ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन है 27-31 तक इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम मजा आएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट भी करना, क्योंकि सपोर्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, सपोर्ट कौन करेगा, ठीक है। और आपकी दुआएं मेरे साथ है, मेरी मेहनत आपके लिए जारी रहेगी जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, मैथमेटिक्स को ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं मैथमेटिक्स से, क्योंकि सही तरीके से पढ़ा नहीं अभी तक, यही एक सबसे बड़ा डर यही है। सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, फिर जितना आसान मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा आसान तुमको लगेगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तेज़ तुम हो। जो 15 से 18 तक के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, खास करके हम लोग से ज़्यादा शार्प होगा उनका ब्रेन, लेकिन यूज़ नहीं कर पाते, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, बातें फिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, ठीक है।